लोकसभा चुनाव 2024 की वैतरणी में उतरने से पहले सभी दल अपने आप को मजबूत करने में लगे हैं। पीएम मोदी की मजबूत रणनीतिक छवि से टकराने के लिए विपक्ष में तो कोई भी हिम्मत नहीं दिखती है। विपक्ष को पता है कि पीएम की राष्ट्र समर्पित सोच से विपक्ष अकेले तो नहीं लड़ सकता, इसीलिए विपक्ष एक साथ आया और इंडी गठबंधन का गठन किया। लेकिन विपक्षी एकता में अलग अलग मुद्दों को लेकर टकराव जारी है, जिस कारण से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता में बिखराव निश्चित ही दिख रहा है। ताजा टकराव इंडी गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच देखने को मिल रहा है। क्या है खबर बताते हैं आपको। दरअसल इंडी गठबंधन यानी नए विपक्षी गठबंधन में सिर्फ बैठकों का दौर जारी है और टकराव के बादल छाने लगे हैं। खबर है कि जिस जातिगत जनगणना की मांग गुट के सभी दल उठा रहे हैं, उससे तृणमूल कांग्रेस दूर रहना चाहती है। इसकी वजह पश्चिम बंगाल की राजनीति बताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी जातिगत जनगणना के खिलाफ है। फिलहाल पार्टी अपनी सुप्रीमो ममता बनर्जी के लौटने का इंतजार कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार के दिल्ली आवास पर 13 दिसंबर को एक बैठक हुई थी। उसके दौरान पार्टियों ने जातिगत जनगणना की मांग को उठाने का फैसला किया था। अब उस बैठक से टीएमसी गायब रही थी, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में शामिल हुए थे। मुंबई में हुई इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थीं, लेकिन कहा यह जा रहा था कि वो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर शांत ही नजर आई। एक अखबार से बातचीत में टीएमसी दिग्गज सौगत राय ने कहा है कि हमारी नेता ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया है कि हम जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं। हमारा मानना है कि ऐसा सेंसस लोगों के बीच बंटवारा पैदा कर देगा। हालांकि उन्होंने विपक्षी दलों के साथ बैठकर इसे सुलझाने की बात की थी। रिपोर्ट में टीएमसी सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि ममता बनर्जी को लगता है कि ऐसी जनगणना टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी के एक नेता ने कहा कि बंगाल की राजनीति जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमती। अगर हम जातिगत जनगणना का समर्थन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम जाति आधारित राजनीति का समर्थन कर रहे हैं, जो बंगाल में हमारे मत और छवि को नुकसान पहुंचाएगी। हमें बीजेपी के खिलाफ विपक्षी इंडी गठबंधन में रहना ही जरूरी है। ऐसे में जातिगत जनगणना पर अंतिम फैसला हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी लेंगी, जो स्पेन गई हुई हैं। वो 23 दिसंबर को कोलकाता लौटेंगी, तब हम अंतिम फैसले को उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल जेडीयू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव जातिगत जनगणना के समर्थक रहे हैं। इधर इस मामले पर सीपीएम ने भी टीएमसी पर निशाना साधा। अगर अभी मुद्दों को लेकर विपक्ष में बिखराव है, तो सरकार अगर गलती से बन गई तो देश में क्या हालत होंगे। हालांकि स्वार्थ से बना इंटी गठबंधन को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि चुनाव आते आते ये गठबंधन कहीं टूट ना जाए। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।